देखिए इस प्रॉब्लम में आपको ये x प्लस वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी वाई और इसी तरह दो और टर्म दिए हुए हैं, ये रेशियोज आपस में बराबर है और आपको प्रूव करना है कि इनमें से हर एक 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी के बराबर है जब तक कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो ना हो। तो इसको शुरू करने का तरीका क्या है कि जो गिवन है इसको आप k मान लें और अगर आप हम प्रूव कर दें कि k बराबर हो जाता है 2 बाई ए प्लस बी तो हमारा काम बन जाएगा। तो आप देखते हैं क्योंकि x प्लस वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी वाई इसके बराबर है तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू के ए एक्स प्लस के बी वाई। उसी तरह y प्लस जेड इज इक्वल टू के ए वाई प्लस के बी जेड और उसी तरह z प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा के ए जेड प्लस के बी एक्स। अब आप इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए तो ऐड करने के बाद आएगा 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के टाइम्स और k को आप बाहर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि छयो टर्म में k आ रहा है और यहां पर आप देखिए सिमिलर टर्म्स को हम देखते हैं जैसे ax और bx है तो हम लोग x कॉमन ले लें और लिख दें a प्लस बी तो ये दोनों टर्म हमारे हो गए। अब उसी तरह हम लोग कर सकते हैं y को कॉमन ले सकते हैं और आ जाएगा ए वाई और बी वाई तो ये दोनों टर्म हो जाएंगे तो फिर हम लिख सकते हैं a प्लस बी और जो बचे हुए टर्म है यहां पे लिख लीजिए z ब्रैकेट a प्लस बी। बस अब अपना काफी काम हो चुका है 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड और यहां पे k कॉमन है आप देख सकते हैं कि a प्लस बी भी यहां पर कॉमन हो सकता है तो हमारे पास अंदर x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो अब देखिए इसको हम कैंसल तभी कर सकते हैं जब x प्लस वाई प्लस जेड जीरो ना जब ये नहीं होगा तो हम इसको कैंसल कर देंगे तब हम लोग लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम प्रूव हो गया है कि जब ये नहीं होगा तब ये जब इसीलिए यहां पे अनलेस लिखा हुआ है कि जब ये नहीं होगा तो ये बराबर है अगर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो हमें इसी पॉइंट पर रुक जाना होगा और फिर हमारा आंसर आ जाएगा कि जीरो इज इक्वल टू जीरो।